हेलो एवरीवन, आई एम रेखा चावला। वेलकम बैक टू माय चैनल चावला कुकिंग। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है सुपर फ्लेवरफुल एंड सुपर चीजी चीज बॉल रेसिपी इन माय स्टाइल। इसे हम घर पर बनाएंगे इन वेरी सिंपल वे। आई एम श्योर यू विल लव इट। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम। मैं हर वीक एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ। आपको मुझसे जुड़ने के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दे, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चीज बॉल बनाना। चीज बॉल बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज आलू। हमने 3 आलू लिए हैं, तो हमें चीज आलू के अकॉर्डिंग लेनी है। मींस 1 मीडियम आलू के साथ हमें 1 चीज क्यूब का कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। साथ ही मैंने लिया है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, बॉइल स्वीट कॉर्न, ओरेगनो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। अब इन आलूओं को मैंने मैश करने के लिए थोड़ा मोटा ग्रेटर लिया है, इस तरह का। अब तीनों आलूओं को ग्रेट कर देते हैं। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शेयर किए हैं आपसे। आलूओं को मोटा मोटा खीस करने से क्या होगा, जो उसके चंक्स है वो खाने में एक क्रंची टेस्ट देंगे। अब जितने आलू लिए हैं उतने ही मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी लिया है। ये हो गए हमारे 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इसमें ऐड करती हूँ स्वीट कॉर्न, सॉल्ट हमें कम यूज करना है क्योंकि जो चीज है वो सॉल्टी है ऑलरेडी, ब्लैक पेपर। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरेगनो, और अब चीज को भी इसमें ही ग्रेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अमूल चीज यूज किया है। आप यहाँ पर पिज्जा चीज, जिसे मोजरेला चीज कहते हैं, उसे भी यूज कर सकते हैं। आप हाफ क्वांटिटी अमूल चीज क्यूब और हाफ क्वांटिटी मोजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर चीज बॉल बना रहे हैं तो मेक श्योर कि डेफिनेटली हमें चीज का जो यूज है वो ज्यादा करना है, नहीं तो जो चीज बॉल है वो क्रीमी एंड यमी टेस्ट नहीं देगा। आप यहाँ पर 1 से 2 ग्रीन चिली बहुत बारीक कट करके भी यहाँ पर डाल सकते हैं, थोड़े से बारीक कट करके कोरिएंडर भी डाल सकते हैं। मैं इसे एक बड़े बॉल में ट्रांसफर कर देती हूँ। अब इसे हाथों से मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डव बना लेते हैं। आपका डव बहुत लूज लग रहा है, मींस आपको लग रहा है कि बॉल्स बाइंड नहीं हो पा रहे, तो आप इस स्टेज पर थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। बट जनरली 3:3:3 का रेशो एक परफेक्ट रेशो है इन माय स्टाइल। अब हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाकर इसके बॉल्स बना देते हैं। एक ही साइज के इवन बॉल बनाने के लिए आप मेजरिंग स्पून का, जो 1 टेबल स्पून का स्पून है, आप उसे यूज कर सकते हैं। सारे बॉल्स बना दिए हैं। इसके साथ अब हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स नहीं है तो 4-5 ब्रेड के स्लाइस को मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिए, और हाँ, ब्रेड के कॉर्नर्स जरूर रिमूव करना। साथ ही मैंने लिया है मैदा और पानी। अब एक बोल में मैदा और पानी दोनों को मिलाकर एक थिक कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर को बहुत पतला मत कीजिए, नहीं तो बॉल्स फ्राई करते समय टूट जाएंगे। मीडियम कंसिस्टेंसी रखिए। अब इसमें नमक डाल देते हैं। अब इन बॉल्स को एक एक करके इनके अंदर डिप करते हैं, फिर इन्हें ब्रेड क्रम्स से पूरा कोट कर देते हैं। इन्हें आपको बहुत हल्के हाथों से करना है क्योंकि चीज बॉल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और हमें इन्हें राउंड शेप में ही रखना है। आप बॉल्स को ब्रेड क्रम्स में पहले कोट करके फिर मैदे में डालकर फिर से उन्हें आप ब्रेड क्रम्स में कोट कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से सारे
बॉल्स को कोटिंग कर दिया है। आप इन बॉल्स को जिपलॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में 15 से 20 दिनों तक आप फ्रीजर में इन्हें रख सकते हैं। फिर आपका जब मन करे आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। कढ़ाई में तेल को गरम कर दिया है, इन बॉल्स को डाल देते हैं और ऑयल को मीडियम हॉट रखना है। मीडियम हॉट मतलब बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, बॉल्स को बाहर तो जल्दी ब्राउन कलर आ जाएगा बट वो अंदर से प्रॉपर फ्राई नहीं होंगे और ज्यादा ठंडा होगा तो इससे बॉल्स टूट जाएंगे, इसलिए आप मीडियम हॉट रखिए। आपके बॉल्स प्रॉपर बने हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए आप पहले एक बॉल्स को फ्राई करके देखिए, वह परफेक्ट बना है तो ही उसमें बाकी के बॉल्स ऐड कीजिए। और आपका बॉल्स अगर मीडियम हॉट ऑयल पर भी टूट रहा है तो आप उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं या इन्हें आप बनाकर फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, फिर आप उन्हें फ्राई कीजिए। बॉल्स को मीडियम ब्राउन कलर का होने तक हमें फ्राई करना है। और सी, चीज बॉल्स रेडी है। बाहर से बहुत ही क्रंची एंड अंदर से क्रीमी एंड सो डिलीशियस। फ्रेंड्स, इन चीज बॉल्स को आप बनाकर फ्रीजर में रख दीजिए, फिर जब आपके फ्रेंड्स आए या फिर छोटी सी भूख के लिए, इवनिंग स्नैक्स के लिए आप इन्हें जल्दी से बनाकर आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय माय रेसिपीज। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से मुझे लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। टिल देन, बाय बाय।